राजगढ़ में एमपी सुरेश कश्यप ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो एमएलए रीना ने सुक्खू सरकार को कोसा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ किया लोकसभा प्रत्याशी का अभिनंदन। कश्यप ने राम मंदिर निर्माण धारा 370 हटाने व भारत को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने को बताया मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि। विधायक रीना कश्यप बोली, इस बार पछाड़ से पिछले चुनाव से 4000 ज्यादा अथवा 20000 की लीड लेने का लक्ष्य किया गया है निर्धारित। शिमला के सांसद एवं भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज अपने गृह क्षेत्र के राजगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक तथा नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के शासनकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इस अवधि में राम मंदिर निर्माण धारा 370 हटाने व भारत को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जैसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिन्हें एक दशक पहले तक असंभव कहा जाता था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण तथा CAA कानून लागू करने जैसे अपने अन्य वादे भी पूरे किए हैं। कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास तथा मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में न केवल दुनिया में भारत की भ्रष्ट देश की छवि बनी थी बल्कि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद कहते थे कि यदि दिल्ली से एक रुपया भेजा जाता है तो वास्तविक लाभार्थी तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में न केवल किसान सम्मान व अन्य योजनाओं का पूरे का पूरा पैसा DBT के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे भ्रष्टाचारी भी जेल की सलाखों के पीछे पहुँच रहे हैं। स्थानीय कांग्रेस MLA रीना कश्यप ने कहा कि पूर्व की भाजपा प्रदेश सरकार के शासनकाल में जहां राजगढ़ में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए वहीं कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल में न केवल विकास को ग्रहण लगा है बल्कि कई चले चलाए संस्थान भी बंद किए गए। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट के वादे के बावजूद अब तक महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां न देने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार से न केवल आम लोग बल्कि उनके MLA व मंत्री भी परेशान है। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल हुए 6 कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने कल हुई बैठक में अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि एक तरफ जहां सरकार अथवा मुख्यमंत्री विधायकों की अनदेखी कर रहे हैं वहीं चुनावी वादे पूरे न होने के चलते वो लोग अपने हल्के की जनता के बीच में भी नहीं जा पा रहे थे। शिमला लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार एवं सांसद सुरेश कश्यप का राजगढ़ पहुंचने पर उनके गृह क्षेत्र के कार्यकर्ताओं अथवा लोगों ने बैंड बाजे के साथ नागरिक अभिनंदन किया। यहां हुई नुक्कड़ सभा में विधायक रीना कश्यप तथा अन्य वक्ताओं ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जहां पछाड़ से सुरेश कश्यप को 16000 की बढ़त मिली थी वहीं इस बार लीड 20000 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कौन है जिसके बारे में हम बार बार कहते थे और बहुत से कांग्रेस के मित्र तो ये कहते थे कि धारा 370 जब तक कांग्रेस पार्टी है इस देश से समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से धारा 370 35 को समाप्त किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि कारगिल से लेकर कन्याकुमारी भारत एक है उसको समाप्त किया, आज इस देश में एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको अगर किसी ने साकार किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐतिहासिक काम पिछले 10 वर्षों में इस देश में हुए जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? कितने साल, 1528 में राम मंदिर को ढाया गया था, 496 वर्ष लगे जब 496 साल बाद रामलला जो है अपने मंदिर में विराजमान हुए, कितना संघर्ष उसके लिए हुआ, कितने ही राजा महाराजा हुए जो चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने लेकिन संभव नहीं हो पाया। आपके ध्यान में है कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। 1992 में कार सेवा हुई थी, किस प्रकार से कार सेवकों के ऊपर गोली चली, कितने ही कार सेवक अपनी जान गंवाकर और यही नहीं उनके शवों को पत्थर से बांधकर सरयू नदी में डुबो दिया गया था, हर किसी के ध्यान में है और हर कोई यही जानता था कि शायद वो समय कभी आएगा जब रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन वो समय आया और आपके ध्यान में है 5 अगस्त 2020 को माननीय मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में वो क्षण आया जिसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी गई थी, जिसकी कोई
जिसके बारे में मोदी जी ने कभी नहीं कहा था कि हम 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन देंगे। मोदी जी ने कभी नहीं कहा था कि हम 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाकर देंगे। मोदी जी ने कभी नहीं कहा था कि हम 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण करवाएंगे। मोदी जी ने कभी नहीं कहा था हम 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में जोड़कर 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि बिना किसी भ्रष्टाचार के उनके खातों में डालेंगे। नहीं तो क्या होता था जब यूपीए का समय था या कांग्रेस पार्टी का समय था, स्वयं राजीव गांधी जो इस देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो लाभार्थी तक जब तक पहुंचता है 15 पैसे बचता है, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे। ऐसी स्थिति और ऐसा भ्रष्टाचार इस देश में होता था। क्या स्थिति थी 2014 से पहले की? कितने ही भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर लगे और पूरी दुनिया में हमारा देश जो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था, लेकिन 2014 के बाद एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। 30% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए देना, और मैं समझता हूं नारी शक्ति के लिए तो बहुत बड़ा कार्य हुआ। आने वाले समय में चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, हमारी 33% महिला जो है सांसद भी बनेंगी और विधायक भी बनेंगी। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में मात्र एकमात्र विधायक है रीना कश्यप। आने वाले समय में अगर हिमाचल प्रदेश में सीटें 68 भी रहती हैं, तब भी हमारे 23 विधायक, पार्टी चाहे किसी की भी होंगी, लेकिन 23 विधायक जो है विधायक बनकर जो है प्रदेश की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाएंगे। इसी प्रकार से लोकसभा के अंदर भी महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, और मैं समझता हूं महिलाएं जो हमारे समाज का 50% है, इतना बड़ा काम अगर किसी ने महिलाओं के लिए किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कि माननीय सांसद जी ने जब वो विधायक थे, माननीय सांसद जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं अपने 50 विधानसभा क्षेत्र के लिए। मैं कहना चाहूंगी, मैं पूरी तरीके से कहना चाहूंगी कि 70 साल के कार्यकाल को देखिए और इनके 5 वर्ष के कार्यकाल को अगर हम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी बहुत से कार्य इस जो सरकार के माध्यम से हुए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, आने वाले जो अभी चुनाव है इसमें भरपूर सहयोग, अपना आशीर्वाद माननीय सांसद जी को दें। पिछली बार हमारी 16,000 कुछ लीड थी और इस बार 20,000 से भी हम ऊपर जाए, ऐसा निवेदन करते हुए आपसे आप सभी से आग्रह करूंगी कि 71 वोट माननीय सांसद जी के लिए किया जाए। और साथ ही मैं अगर प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं, यहां पर स्थिति ऐसी है कि इस सरकार के विधायक और जो इनके मंत्री है ये खुद निराश है। कल हमारी विधायक दल की बैठक थी और बहुत एक हर्ष का जो विषय है कि जो 6 जो इनके अपने विधायक जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, जब वो अपनी बात कह रहे थे, अपना दर्द सुना रहे थे, कह रहे थे कि अपने होते हुए भी इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, ऐसी सरकार का क्या फायदा।